भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा पर बातों बातों में कटाक्ष किया। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया, ये भी कहा कि सोनिया गांधी तो चुनाव लड़ नहीं रही, राहुल गांधी अपना इलाका छोड़कर चले गए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों और भांजे भांजियों को याद करने से नहीं चूके। निमंत्रण मिला, लिखित निमंत्रण, आइए मैडम सोनिया गांधी जी, आइए खड़गे साहब, आप भी पधारिए, बताओ जाना चाहिए था कि नहीं? अरे कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन खोपड़ी पे मंथरा बैठ गई। इधर एमपी में पहले चरण के चुनाव में सभी 6 सीटें जीतने के जीतू पटवारी के दावे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जीतू पटवारी बड़े नेता हैं, उनके बारे में कमेंट्स ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कहा कि ऐसा लगता है इसे किसी वामपंथी या मुस्लिम लीग ने बनाया है। ऐसा है कि जीतू पटवारी जी बड़े नेता हैं, बड़े नेता के बारे में कुछ कमेंट्स करूं ये अच्छी बात नहीं है, पर जिस दिन वो अध्यक्ष बने थे उस दिन से आज तक कांग्रेस के प्रदेश में आधे ही कार्यकर्ता रह गए, आधे तो है ही नहीं। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, ऐसा लगता है कि कोई वामपंथी ने बनाया या मुस्लिम लीग ने बनाया, ऐसा उनका पूरा की पूरा घोषणा पत्र है। तो उन्होंने देश के बारे में तो चिंतन ही नहीं, उनका कुर्सी के बारे में चिंतन है, और देश की जनता देश के लिए वोट देना चाहती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना चाहती है। और अब आपको प्रचार की अनोखी तस्वीर दिखाते हैं जिससे देखकर आप देखते रह जाएंगे। तरीका बिल्कुल नया है, तस्वीरें मंदसौर की, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक जिन्न प्रचार करने के लिए सड़क पर उतरा और नारे दे रहा है, देख मेरे आका मैं आ गया, जिसके हाथ में मेरे जादू का चिराग होता है मैं उसी का गुलाम होता हूं, मैं उसी का गुलाम होता हूं, आज का चिराग तो हम इनको दे दिया जरूर आना समंदर की तेरी। देश भर में प्रचार की धूम है और पार्टियां अलग अलग ढंग से अपना प्रचार कर रही है, लेकिन मंदसौर में एक चिन्ह जो है वो नरेंद्र मोदी जी के प्रचार का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जो चिन्ह है वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह से चिन्ह का भेष बनाया हुआ है। और ये कलाकार बता रहे कि मैं जयपुर से आया हूँ, क्या नाम है आपका? मैं वैसे तो मैं पाताल वासी हूँ मेरे आका, क्योंकि जिसके हाथ में अगर मेरा जादू का चिराग हो जाए वो माला माल हो जाए, कहां से कहां पहुंच जाए, सितारों की दुनिया में खो जाए, वो बहुत करोड़पति बन जाए। आप ये मोदी जी के पोस्टर, प्रचार के पोस्टर लेके घूम रहे हैं? जी क्यों घूम रहे हैं? उनको फिर से लाना है और नया विकास, नया नाम, नई पहचान, नया काम बनाना है। और कहाँ का प्रचार कर रहे हैं आप? पूरे वर्ल्ड में मेरे आका, हिंदुस्तान का कोना कोना नहीं छोड़ूंगा, चप्पे चप्पे पे जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, कूचे कूचे पे जाऊंगा, चांद सितारों तक पहुंच जाऊंगा और मोदी जी की जय जयकार कर जाऊंगा। क्यों लाना चाहते हैं मोदी जी को आप? क्योंकि वो आए हैं, जब से कितनी सुख और शांति और कितना अमन और कितना चैन, और जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मोदी जी ने करके दिखाया। तो ये देख सकते हैं कि जयपुर से कलाकार आए हुए हैं जो पूरी तरह से जिन्न का भेष इन्होंने बनाया हुआ है और ये मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, और इनका कहना है कि इस बार फिर से मोदी जी को लाना है और देश में विकास की गंगा बहाना है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18 मंदसौर। हरदा जिले के एसपी अभिनव चौकसे का कलेक्टर को लिखा एक पत्र वायरल है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान ट्रॉलियों के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होने की आशंका के चलते जिले की मंडियों को बंद रखने के निर्देशित करने का पत्र यह है। वायरल पत्र पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंडी बंद क्यों की जाएगी। कलेक्टर आदित्य सिंह ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि एसपी ने पत्र लिखकर ट्रैफिक व्यवस्था पर एक सुझाव दिया था, मंडी बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।
जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं एसपी महोदय के माध्यम से जो पत्र हमें भेजा गया है वो एक ट्रैफिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक सुझाव और उन्होंने एक उसमें हम लोगों से एक प्ली की आप कह सकते हैं, परंतु उस पत्र के आधार पर ऐसे कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं हुए हैं। तो ये जो एक भ्रमात्मक जानकारी फैलाई जा रही है कि मंडी बंद होने के आदेश हो गए हैं, ऐसे कोई आदेश या निर्देश? रायसेन में शराब ठेकेदार की मनमानी उजागर हुई है। यहाँ शासन प्रशासन पर के जो नियम है उन्हें ताक पर रखकर शराब दुकान चलाई जा रही है। मामला नकतरा का है जहाँ नियमों के खिलाफ दुकान संचालित हो रही है। दूसरी जगह से लाकर स्टेट हाईवे पर शराब दुकान खोल दी गई। ग्रामीणों ने आबकारी विभाग और ठेकेदार की सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। मौके पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची, हड़कंप मच गया, अहाता बंद कर दिया गया। मामले में कलेक्टर रविंद्र दुबे ने कहा है कि कोई दुकान नियम विरुद्ध संचालित नहीं होगी। खोली जाना चाहिए, उसके लिए नाम शासन द्वारा फिक्स किए गए हैं। तो नकतरा की जिस शॉप की बात कर रहे हैं उसकी हम जांच कराएंगे और यदि नॉर्म्स के विरुद्ध होगी तो उस पर नॉर्म्स के हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे और उसको ऐसी जगह शिफ्ट कराएंगे कि जहां लोगों को कम से कम असुविधा हो। ग्वालियर में एक तलाकशुदा युवती के साथ कार्यस्थल पर उसके सहकर्मी द्वारा बलात्कार का मामला सामने आया। घटना 6 महीने पुरानी है। युवती ने अब मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया